रामनगला कुलसाई में जानलेवा हमला करने वाली घटना का पुलिस ने अनावरण कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, साथ ही तीन अभियुक्त भाग जाने में सफल रहे। अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी है। रविवार के दिन पुलिस लाइन के मनोरंजन सभागार में थाना पुराली क्षेत्र में 20 मार्च के दिन ग्राम गोसाई भट्टी के पास रात्रि में कुलदीप पांडे पुत्रा मिश्र दयाल की पत्नी लक्ष्मी पांडे जब घर पर अकेली थी तब आशीष पुत्र विनोद कुमार, अमित पुत्र विनोद कुमार, सलीम पुत्र नेपाल, सैलू पुत्र आत्माराम, रोहित उर्फ रिंकू पुत्र राजेंद्र विवेक पुत्र दफेदार ने अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीड़िता के घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट की, छेड़खानी की घटना को भी अंजाम दिया था, जिसके बाद शोर मचाने पर सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए तो पुलिस ने आशीष पुत्र विनोद कुमार, सीनू पुत्र आत्माराम, रोहित और रिंकू पुत्र रवि, सैन पुत्र नेतपाल को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी तीन अभियुक्त अभी भी फरार है। अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का अनावरण करते हुए क्या कुछ बताया है ये जरा आप ही सुनिए। पुरावली के ग्राम नगला गुसाई का मामला है। यहाँ पे ग्राम बल्लभपुर थाना ओछा के 7 लोगों के द्वारा एक घर में घुसकर एक महिला के ऊपर फायरिंग की गई और उससे छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। महिला के पति द्वारा थाना पुरावली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने तत्परतापूर्वक इन अभियुक्तों की घेराबंदी करके इनको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ और इनकी तलाशी की गई तो इन सभी के पास से 3 अवैध तमंचे और 1 चाकू बरामद किया गया है। इनको थाना लाकर दाखिल किया गया है और इनको आज न्यायालय में प्रस्तुत कर इनका रिमांड प्राप्त किया गया है। सर बताया जा रहा ये जब घटना कारित करने के लिए गए थे तो ये एक इनके पास 4 पहिया वाहन इको कार थी और एक मोटरसाइकिल सवार थी जिसे पुलिस ने बरामद किया। एक्चुअल में इनका पहले से विवाद है जिसके कारण ये इस तरह का प्रयास किए।